फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास विद लैंस। बच्चों, आज हम मेजरमेंट एंड मोशन, जो कि लेसन 11 है क्लास 6 का, उसे हम उसके क्वेश्चन आंसर्स आज सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका पूरा चैप्टर मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, वो वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है। मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम डिफाइन। हम डिफाइन से स्टार्ट करते हैं क्योंकि इनकी टर्म्स बहुत अलग अलग होती हैं। तो फर्स्ट आ रही है स्टैंडर्ड यूनिट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। अब स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब क्या होता है? वो वाली यूनिट जो हर कोई यूनिफॉर्मली, यानी एक बराबर, हर कोई किसी के द्वारा बिल्कुल सेम मेजरमेंट के लिए सेम चीज़ को यूज़ करे। जैसे अगर किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है या लीटर है, वो हर कोई यूज़ करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कोई किसी ने यूज़ किया और किसी ने नहीं किया। सेकेंड इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है? मोशन इन विच ऑल पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोशन का वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पूरा पार्ट ही अगर मोशन में होता है थ्रू द सेम डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब बच्चों, इसका होता है कि अगर एक कोई कार जा रही है तो वो उतने सेम ही डिस्टेंस और सेम ही टाइम में पूरी जाएगी। विच ऑल पार्ट्स, पूरी की पूरी जाएगी। ऐसा नहीं होगा व्हील्स अलग जा रहे हैं और आगे का पोर्शन अलग जा रहा है और पीछे का अलग जा रहा है, वो कंप्लीट पूरा एक साथ ही जाता है, उसे ट्रांसलेटरी मोशन कहा जाता है। थर्ड इज रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, जो अपनी एक ही पॉइंट पर, एक पॉइंट पर घूम रहा है, उसे रोटेशनल मोशन कहा जाए। फोर्थ इज पीरियोडिक मोशन। मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। एक कंप्लीट फिक्स टाइम होता है, फिक्स टाइम में जो अपने आप में ही रिपीट होता है, उसी को पीरियोडिक मोशन कहते हैं। जैसे सीजन का चेंज होना होता है, वो अपने फिक्स टाइम में ही गर्मियाँ आती हैं, फिक्स टाइम में ही सर्दियाँ आती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर स्टैंडर्ड यूनिट्स यूज्ड इन मेजरमेंट। अब स्टैंडर्ड यूनिट जो हमने ऊपर पढ़ा था, वो मेजरमेंट के लिए क्यों यूज़ किया जाता है? आंसर इज देयर वॉज अ नीड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुड बी यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन। आप कहीं भी जाएंगे, ठीक है, आप अपने घर में, जैसे मिल्क मैन आ रहा है, मिल्क देने के लिए आ रहा है, तो आप लीटर बताते हैं, लीटर, मिली लीटर, है ना। और छोटा के कुछ सामान ले रहे तो मिली मीटर हो गया या मीटर हो गया। कोई आप फैब्रिक ले रहे हैं तो आप हर जगह अगर आप शॉपकीपर के पास मीटर बताएंगे तो वो मीटर समझ के उतना आपको फैब्रिक दे देगा, लीटर बोलेंगे तो उतना ही आपको मिल्क दे देगा। तो ये क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्मली यूज्ड बाय एवरीवन, जो हर कोई एक तरीके से, सेम तरीके से ही यूज़ कर रहा है। सच ए यूनिट इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट। उन्हीं को स्टैंडर्ड यूनिट कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन द CGS सिस्टम और SI सिस्टम। अब स्टैंडर्ड यूनिट्स पूछी है मास की, यानी वेट की, लेंथ की और टाइम की। अब उसमें भी दो तरीके से है, CGS सिस्टम में और SI सिस्टम में। बच्चों, इनके लिए मैंने डिटेल में आपको वीडियो में समझा रखा है, आप उसको ज़रूर देखिएगा। CGS सिस्टम में होता है सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड। CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड, ये होता है। ये कुछ कंट्रीज़ में यही फॉलो किया जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में SI सिस्टम यूज़ किया जाता है, जैसे हमारे इंडिया में भी होता है मीटर, ग्राम एंड सेकेंड्स, ठीक है। तो ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये वाला यूज़ किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन, टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट्स। एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो कौन सी हैं? आंसर इज टू मेक एक्यूरेट मेजरमेंट्स देयर आर टू मेन रिक्वायरमेंट्स। इतना ही आपका क्वेश्चन में से आ गया बच्चों। अब इसमें कौन कौन सी हैं वो दो रिक्वायरमेंट्स? फर्स्ट, यू मस्ट यूज़ एप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट। आपको एक बिल्कुल ठीक तरीके का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है। अगर आप इंच टेप यूज़ कर रहे हैं, मेजरिंग टेप यूज़ कर रहे हैं, रूलर यूज़ कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। एंड सेकेंड वन इज़ नो हाउ टू यूज़ दीज इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली।
और अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करने का भी तरीका आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमें इसे यूज़ करना है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन इज एन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन मोशन। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे कह सकते हैं कि वो मोशन में है, ठीक है, यानी वो मूवमेंट हो रही है। तो आंसर, एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इफ इट्स पोजिशन चेंज विद टाइम इन रिलेशन टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन इट्स सराउंडिंग। जो अपने चारों तरफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट जैसे हो गए बिल्डिंग्स, हो गई ट्रीज, हो गए, जो अपनी ही जगह पर रहते हैं, नहीं इधर उधर जाते हैं, ठीक है। तो वो ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के अकॉर्डिंग, अपने चारों तरफ के स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के अलावा, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे कार है और ट्री है, तो कार मूविंग हो रही है, मूविंग मोशन में है, और ट्री स्टेशनरी मोशन में है। क्वेश्चन 5, नेम द टू इन्वेंशंस दैट ब्रॉट अबाउट रिवोल्यूशन इन फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट के फील्ड में जो बहुत बड़े दो इन्वेंशन वो कौन से हैं जो बहुत बड़ा इन रिवोल्यूशन लेकर आए थे। तो आंसर हमें बहुत पहले से पता है, छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील एंड द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। तो ये ट्रांसपोर्ट के दो रेवोल्यूशन हैं जो जिन्होंने ट्रांसपोर्ट के फील्ड में बहुत बड़ा चेंज लेकर आए हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टू काइंड्स ऑफ मोशन दैट अर्थ हैज़। वो दो कौन से मोशन हैं जो अर्थ के पास हैं, ठीक है, वो अर्थ में वो मोशन हो रहा है। तो वो एक तो हो रहा है रोटेशनल और एक हो रहा है ट्रांसलेटरी। रोटेशनल यानी गोल गोल घूम रहा है, अर्थ गोल घूम रही है, और ट्रांसलेटरी और वो पूरी घूम रही है, ठीक है। ये मैं आपको ऊपर डिफाइन में समझा चुकी हूँ। अब यहाँ पर बच्चों आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं, लेट्स गो फॉर द लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट इज, व्हाई डोंट वी मेजर ऑल लेंथ्स इन जस्ट वन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ सच एज मीटर इन स्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स। इस क्वेश्चन का मतलब आ रहा है बच्चों कि हम एक ही लेंथ के लिए हम केवल एक ही स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ क्यों नहीं करते हैं, हम मीटर के साथ में मल्टीपल और सब मल्टीपल्स, जैसे मीटर का आप बड़ा यूनिट हो गया किलोमीटर, छोटा यूनिट हो गया सेंटीमीटर, उससे भी छोटा हो गया मिलीमीटर, तो हम इन सब को यूज़ क्यों करते हैं, वो किस वजह से करते हैं, उसका आंसर यहाँ पर आ रहा है, बिकॉज कैलकुलेशंस विद अ लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। जो कैलकुलेशन करी जाती है जो बहुत दूरी की है, ठीक है, जो कि हम किलोमीटर में करते हैं और बहुत छोटा हमें चाहिए, तो वो हम मिलीमीटर में करते हैं, बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड देयरफॉर इम्प्रैक्टिकल। अब इसके लिए भी अगर हम एक ही यूनिट करेंगे तो वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें उससे पता नहीं चलेगा कि कितनी दूर का है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक। सो फॉर कन्वीनियंस मल्टीपल ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट आर यूज टू मेक लार्ज मेजरमेंट। अब अपनी कन्वीनियंस के लिए यानी अपनी सुविधा के लिए हमें इसको लार्ज मेजरमेंट और फ्रैक्शनल और सब मल्टीपल्स स्टैंडर्ड यूनिट में इसको यूज़ किया जाता है, जो कि स्मॉल मेजरमेंट में आ रहा है। जैसे आपको हम बता देते हैं कि यहाँ से आपको 10 किलोमीटर्स दूर जाना है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये काफ़ी दूर का हो गया। मीटर में अगर आपसे बोला जाएगा तो मीटर में आपको कि 2 meters हमें फैब्रिक चाहिए, तो आप 2 meters का उतना कि हाँ ये फैब्रिक के लिए हो रही है। अब सेंटीमीटर आ गया तो सेंटीमीटर में हमें और छोटा चाहिए, तो इससे हमें खुद ही पता चल जाता है। तो अगर हम एक ही यूनिट का यूज़ करेंगे, जैसे इन्होंने सेम यूनिट का बोला है, एक ही यूनिट का यूज़ करेंगे, तो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। व्हाट प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग स्केल। आप कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे, क्या ध्यान रखेंगे जब आप लाइन सेगमेंट को किसी स्केल से आप मेज़र कर रहे हैं। तो आंसर इज, सम प्रिकॉशंस विल यू टेक व्हाइल मेजरिंग अ लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट यूजिंग स्केल। फर्स्ट, कीप द रूलर, रूलर यानी स्केल हो गया एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ टू बी मेजर्ड, उतना ही होना चाहिए जो जितनी आपको लेंथ मेज़र करनी है। सेकेंड, डू नॉट यूज़ वर्न आउट पोर्शन ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर स्केल रूलर टूटा हुआ है कहीं से, वर्न आउट है, तो उस पोर्शन को मेजरमेंट में नहीं ऐड किया जाएगा। थर्ड,
कीप योर आइज़ वर्टिकली, अपनी नज़र को, अपनी आइज़ को पूरे सीधी तरीके से उसी के ऊपर पॉइंट पर रखना है जहाँ से आपको मेज़रमेंट लेना है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ओके, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, नेम टू मेथड्स यू कैन यूज़ टू मेज़र द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन। वो कौन से दो मेथड हैं अगर आपको किसी कर्व्ड लाइन को अगर आप मेज़र करना है। ड्रॉ लेबल्ड इलस्ट्रेशंस टू शो द स्टेप्स। अब इसके लिए भी आपको एक डायग्राम भी देना है। तो दो मेथड कौन से हैं, अ थ्रेड और अ डिवाइडर। एक थ्रेड है और एक डिवाइडर के थ्रू ही आप किसी भी कर्व्ड लाइन को यानी थ्रेड को आप यूज़ कर सकते हैं मेज़र करने के लिए। और बच्चों इसके से रिलेटेड जो डायग्राम है उसका पेज नंबर 128 पर है, फिगर 11.6 और 11.7 है, जिसको आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नाउ लेट्स गो टू द फोर्थ क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ सिचुएशन वर। अब हमें एग्जाम्पल देना है, ये सिचुएशन हमें दे दी है। फर्स्ट है एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ नेसेसरी, क्या एक्यूरेट मेजरमेंट नेसेसरी है। और दूसरा आ रहा है एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ नॉट नेसेसरी एंड ओनली एस्टिमेशन इज़ रिक्वायर्ड। और जहाँ पे एक्यूरेट मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है केवल आप अपना आइडिया भी लगा सकते हैं, एस्टिमेट भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम लेते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ नेसेसरी। कब होता है, वाइल कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट इन अ लैब द कैलकुलेशन मस्ट बी करेक्ट टू गेट अ प्रॉपर रिजल्ट। अब हम किसी भी लैब में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, या केवल लैब का नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मेडिसिंस ही बन रही हैं तो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए होता है जो जो उसके अंदर डल रहा है। तो इसमें एक्सपेरिमेंट का लैब में दे रखा है तो उसमें आपको पूरा करेक्ट कैलकुलेशन चाहिए होता है, तभी आपको प्रॉपर रिजल्ट मिल पाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, कम ज़्यादा हो गया तो वो रिज़ल्ट गड़बड़ हो जाता है। सेकेंड आ रहा है एक्यूरेट मेजरमेंट इज़ नॉट नेसेसरी एंड ओन एस्टिमेशन इज़ रिक्वायर्ड। अब एक्यूरेट मेजरमेंट ज़रूरी नहीं है, केवल एस्टिमेशन से भी हमारा काम चल जाता है, यानी आइडिया लगा कर भी काम हो जाता है। उसके लिए वाइल कुकिंग फूड विच डज़ नॉट रिक्वायर एक्यूरेट मेजरमेंट। अब कुकिंग के टाइम पर आपकी मम्मा बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, घर में बहुत एक्सपर्ट और भी मेम्बर्स होंगे जो किचन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब उसके लिए क्या होता है, उन्हें इतना आइडिया लग जाता है कि हमें किस चीज़ में कितनी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, यानी हम अगर कोई इंग्रेडिएंट किसी चीज़ में डाल रहे हैं तो वो हम आइडिया से डाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है, नेम द टू डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। वो दो डिफरेंट टाइप के ट्रांसलेटरी मोशन हमें बताने हैं और उनको पूरा ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है। तो फर्स्ट आ रहा है लीनियर, लीनियर जिसे हम रेक्टिलीनियर मोशन भी कहते हैं। लीनियर यानी जो नाम से पता चल रहा है, जो स्ट्रेट लाइन में चलता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल अ कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, एन एप्पल फॉलिंग from a tree, a bullet shot from a gun, it is said to be linear or rectilinear motion. कोई भी ऑब्जेक्ट है जो पूरी सीधी लाइन में चल रहा है, जैसे कि एक कार है बिल्कुल स्ट्रेट रोड पर सीधी रोड पर जा रही है, एक एप्पल ट्री पर से सीधा ही गिरा है, कोई इधर उधर जाकर नहीं गिरता है ना। एक बुलेट है जो गन से निकली है तो वो भी पूरी सीधी ही निकलती है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, लीनियर या फिर रेक्टिलीनियर मोशन। बच्चों ये दोनों एक ही हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और सेकेंड मोशन कौन सा आ रहा है, सर्कुलर मोशन, जिसे हम कर्वीलीनियर मोशन कहते हैं, जो गोल घूमकर होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ कर्व्ड पाथ, यानी कर्व्ड पाथ यानी गोलाई वाले पाथ पर चलता है। जैसे एग्जाम्पल आ गया, अ कार मूविंग ऑन अ कर्व्ड रोड, यानी एक कोई मोड़ आया, यू टर्न आया तो वहाँ पर कर्व ले लिया कार ने। अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग वेल्ड अराउंड, अब एक बॉल को एक धागे से बांध दिया और उसे गोल 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 घुमा दिया, इट इज़ सेड टू बी सर्कुलर और कर्वीलीनियर मोशन। इसी को हम सर्कुलर या कर्वीलीनियर मोशन कहेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन के बारे में अब बताना है इन्हें, एक्सप्लेन विद दी हेल्प ऑफ टू एग्जाम्पल, और दो एग्जाम्पल्स भी साथ में देने हैं। अब आंसर इज, इफ द सेम मोशन अकर्स अगेन एंड अगेन, अगर एक मोशन है वो बार बार
एक ही तरह से हो रहा है, सेम हो रहा है, इट इज़ सेड टू बी रिपीटेटिव मोशन। जैसे कोई झूला है, ठीक है, जिस पे आप झूलते हैं आगे पीछे जो होता है, तो वो वाला झूला जो होता है वो अपने आप ही इधर से उधर आगे पीछे अपने आप ही आता है, रिपीटेटिव मोशन कहा जाता है, जो क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, अपना मोशन बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीटेटिव मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब एक पेंडुलम भी होता है, अगर किसी के घर में पेंडुलम वाली वॉच है तो उसे पता होगा कि पेंडुलम है ऐसे 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 ऐसे, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ आकर रुक गई फिर थोड़ी देर में यहाँ गई, वो अपने फिक्स टाइम इंटरवल में ही इधर से उधर मूव करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ बॉल टाइड टू अ स्ट्रिंग इज नोन एज पेंडुलम। एक बॉल है जो कि पेंडुलम हो गया है, उसके लिए बात हो रही है, इट अंडरगोस पीरियोडिक मोशन, ये पीरियोडिक मोशन में ही जा रहा है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया। द मोशन ऑफ अ क्लॉक पेंडुलम और दैट ऑफ अ स्ट्रिंग। तो बच्चों, आपके यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। अब थिंक एंड आंसर हम लेते हैं, जो कि आपके हॉट क्वेश्चंस के नाम से बुक में दे रखे हैं। थिंक एंड आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन आर डेली लाइफ इट इज़ एसेंशियल टू मेजर एवरीथिंग एक्यूरेटली। अब ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, हमारी डेली लाइफ में क्या ये ज़रूरी है कि हमें हर चीज़ को एक्यूरेट तरीके से ही मेज़र किया जाए? तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, हम अपने आइडिया से भी करते हैं, ठीक है ना। नो, वी एस्टिमेट नंबर ऑफ थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल हाउ मच शुगर टू पुट इन अ कप ऑफ टी। अब हमें पता होता है, ये तो आपको भी पता होगा, कि एक कप टी में आप कितनी शुगर डालेंगे। ऐसे तो है नहीं कि एक कप टी में आप पूरी बाउल भर के डाल देंगे, आपको पता है 1 स्पून, हाफ स्पून इतनी ही डलती है। व्हेन यू टर्न, क्वेश्चन सेकेंड है, व्हेन यू टर्न अ स्क्रू, आप किसी स्क्रू को गोल घुमा रहे, इट अंडरगोस टू काइंड्स ऑफ मोशन, ये दो तरीके के मोशन में आ रहा है एक ही टाइम में। तो कैन यू आइडेंटिफाई द टू काइंड ऑफ मोशन, क्या आप वो दोनों मोशन बता सकते हैं वो कौन से हैं? तो एक तो रोटेशनल हो गया, रोटेशनल क्यों हो गया, आपने स्क्रू को गोल घुमाया, और ट्रांसलेटरी वो पूरा एक साथ गोल घुमा है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ मोशन डज एन ऑसिलेटरी पेडिस्टल फैन है। अब किस तरीके का मोशन है एक पेडिस्टल फैन? पेडिस्टल फैन होता है बच्चों, जो आपने कभी कभी मैरिजेस वगैरह में भी देखा होगा, जो ज़मीन पर रखा रहता है, फ्लोर पे रखा रहता है, एक फ़ैन होता है और पूरा स्टैंड होता है, उसे पेडिस्टल फैन कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट काइंड ऑफ मोशन, कौन सा मोशन आ रहा है ऑसिलेटिंग पेडिस्टल फैन में? तो विद डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी वो एक ही जगह पर अपना गोल घूम रहा है, ठीक है, तो वो वाला मोशन आ रहा है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हेन यू स्पिन अ टॉप, अब टॉप को हम हिंदी में और क्या बोलते हैं, लट्टू, है ना, लट्टू जो गोल गोल घूमता है, इट स्पिन्स एंड मी ऑल्सो मूव अराउंड, वो गोल घूमता है और कई बार वो चारों तरफ भी घूमता है, केवल अपनी ही जगह पर नहीं घूमता, वो चारों तरफ घूमता है। तो अब उसमें क्या हो, कौन सा मोशन आ रहा है वो पूछा है इन्होंने, तो आंसर है रोटेशनल एंड ट्रांसलेटरी। रोटेशनल यानी अगेन ये गोल घूम रहा है और पूरा का पूरा इधर से उधर घूम रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज, वी से दैट अ ट्री इज स्टेशनरी, हम एक ट्री को स्टेशनरी बोलते हैं जो मूव नहीं हो सकता, बट इज द ट्री इज इन मोशन, क्या लेकिन ट्री एक मोशन में है विद रिस्पेक्ट टू सम अदर ऑब्जेक्ट, मतलब हम दूसरी जगह से, जैसे हम कार में जा रहे हैं और कार से हम बाहर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ट्री मूव कर रही है अपनी जगह से, बाहर आगे से पीछे जा रहा है। तो इसमें इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि क्या ये होता है, तो आंसर इज येस, विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर हेवनली बॉडीज इन द यूनिवर्स एक्सेप्ट द अर्थ, केवल अर्थ को छोड़कर जितनी भी हेवनली बॉडीज हैं उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हाँ ये स्टेशनरी है, लेकिन मोशन में भी आ रहा है, जो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है वो आ रहा है, क्योंकि वो हमें आगे, अगर हम कार से जा रहे हैं तो वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं, बिल्डिंग है, ट्री है, कुछ भी है, जबकि वो है अपनी ही जगह पर, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेसन के क्वेश्चन आंसर्स पूरे तरह से क्लियर हो गए होंगे बच्चों, और इसे बहुत ईजी फॉर्म में मैंने तैयार करे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से और समझ के इन्हें लर्न करेंगे,
और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, तो और लाइक का बटन तो ज़रूर दबाएंगे, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक बाय बाय।